हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। इट्स मी डॉक्टर सिद्रा नूर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त और एलिगेंट हिजाब ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको एक नहीं दो नहीं तीन डिफरेंट हिजाब स्टाइल्स मिलेंगे। ये बहुत ही ईजी और एलिगेंट सा हिजाब स्टाइल है। सो पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैंने हिजाब को स्टाइल करने के लिए फैब्रिक यूज किया है, ये जॉर्जेट शिफॉन है। यू गाइज कैन ऑल्सो यूज लॉन फैब्रिक, एज यू नो कि समर सीजन चल रहा है तो आप लॉन फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू गाइज नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि हिजाब को स्टाइल करने के लिए आपने एक साइड छोटी रखनी है, दूसरी साइड बड़ी रखनी है। लेंथ में डिफरेंस आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा और इस साइड पे ले जाती हूँ। इस तरह से आपने एक साइड इतनी रखनी है, दूसरी साइड में आप डिफरेंस देख सकते हैं, इतना डिफरेंस आपने रख लेना है सबसे पहले। तो सेकेंड जो है वो आपने यहाँ से पकड़ना है इसको, और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। इतना सा आपने फोल्ड करना है, इससे ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, क्योंकि फिर हमने और भी बैक कवरेज और फ्रंट कवरेज भी देनी होती है। सो आपने इस तरह से पकड़ लेने के बाद इसको यूं आपने थोड़ा सा आगे लेके आना है। हिजाब कैप आपने वेयर कर लेनी है, अगर आप बिल्कुल अपने स्ट्रोलर से मैच आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा इनर कैप का जो ट्यूटोरियल है आप वो भी देख सकते हैं कि आप किस तरह से किसी भी पीस ऑफ क्लॉथ से इनर कैप बना सकते हैं। अच्छा, अब हमने हिजाब में एलिगेंसी ऐड करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने ईच एंड एवरी स्टेप को बहुत नीटली स्टाइल करना है। सो सबसे पहले तो मैंने यहाँ से इसको इस साइड को इस तरह से रख लिया, देन यहाँ से हमने ये वाली साइड लेनी, ये यहाँ से मैंने इसको पकड़ा है। आपने इसको इस तरह से लेके आना है और इस तरह ये मेरे फेस की शेप बन गई है। आपने भी इसी तरह से इसको करना है और इन द सिमिलर वे इस साइड से भी, पहले यहाँ से इस तरह, देन यहाँ से इस तरह। तो इस तरह से फेस को हमने शेप दे देनी है, इस तरह से बहुत एलिगेंट लुक आती है। तो यहाँ से मैंने इसको फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के लिए आपने मैग्नेट पिन यूज करनी है। सो हिजाब को मैंने फिक्स कर लिया है और इन द नेक्स्ट स्टेप हमने जो सेकंड स्टेप है हमारा, वो हमारा पॉइंटी टिप बनाने का है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से कर लेने के बाद बैक से आपने थोड़ा सा इसको फोर्स लगानी है बैक की तरफ, और इस तरह से ये थोड़ा इधर से भी टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने फिक्स कर, तो यहाँ पे मैं फिक्स करने के लिए हिजाब पिन यूज कर रही हूँ, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। अच्छा, यहाँ पे आपने किस तरह फिक्स करना है, आपने बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल यूं आपने फिक्स करना है, लाइक इन दिस वे। अब हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, कितने इजी वे में ये हमारी पॉइंटेड टिप बन गई है। तो यूं हमारे दो स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा यहाँ पे एक लेयर ऐड करने का। तो लेयर ऐड करने के लिए आपने अपने स्ट्रोलर की दूसरे वाली साइड पकड़नी है इस तरह, लाइक ये देखें, इस तरह से आपने पकड़ना है इस तरह। ये वाली जो है ना, ये वाली साइड बैक से आपने फ्रंट पे लेके आनी है इन दिस वे, और इसको हमने पिन को हाइड कर देना है इस लेयर के साथ। इस तरह से आपने इसको लेके आना है और इसको हम दोनों साइड से फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के लिए आपने यहाँ पे भी हिजाब पिन यूज करनी है। तो एक पिन मैं इधर लगा देती हूँ एंड इन द सिमिलर वे दूसरे पिन इस साइड पे लगा देंगे। थोड़ा आपने टाइट करना है इसको, टाइट करने से नीटनेस आएगी आपके हिजाब में। तो यहाँ पे टाइट करके एक और पिन मैं ऐड कर दूँ। सो ये रही मेरी पिन और ये कर दिया मैंने फिक्स। तो हमारे थ्री स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आपने अब अपने फेस को कवर करना है। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इसमें निकाब कर सकते हैं, और जो सिंपल जिन्होंने हिजाब करना है उनके लिए भी यहीं से ही वो देखना शुरू करें, क्योंकि यहाँ से ही मैंने थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी है। तो पहले तो मैं निकाब आपको बता दूँ, अगर आपने निकाब ऐड करना है तो आपने ये छोटे वाली साइड लेनी है इस तरह, और यहाँ से आपने पकड़ना है इन दिस वे और अपना फेस हाइड कर लेना है। यहाँ से आपने पकड़ना है और फेस हाइड कर देना है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, जब फेस हाइड करना है तो अपना जो है निकाब, इसको ये वाली शेप देनी है, लाइक नोज़ के आपके बिल्कुल ऊपर हो
और साइडों से इस तरह से नीचे की तरफ आ जाए, तो इस तरह से बहुत अच्छी शेप मिलेगी, एलिगेंसी ऐड होगी आपके हिजाब में, थोड़ा अच्छा लगेगा, नीट लगेगा। तो अब आप दोनों साइड से फिक्स कर। सो गाइज, यहाँ पे मैंने इसको दोनों साइड से फिक्स कर लिया है, एज यू कैन सी। तो निकाब भी हमारा हो चुका है, हमारे चार स्टेप्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ये वाली जो बड़े वाली साइड है ना, ये वाली, इसको आपने लेना है और इसको हम बैक की तरफ लेके जाएंगे, बैक की कवरेज देंगे हम इसके साथ। इसको कुछ इस तरह से हमने बैक की तरफ लेके जाना, टोटली नहीं लेके जाना क्योंकि हमने फ्रंट कवरेज भी इसी के साथ देनी है। तो आपने इसको बैक पे ले जाके यहाँ पे इस तरह लेके आना है, देन आपने इसको यहाँ से पकड़ना है और यूं थोड़ा सा आपने फोल्ड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा आपने फोल्ड करना है, देन हम इसको फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फिक्स करना है इसको, इस तरह से फिक्स करना है कि जो हमने नीचे पिन्स ऐड की है ना वो एक्सपोज ना हो, वो हाइड हो जाए और जस्ट इसकी पिन एक्सपोज हो। इस तरह से आपने ये पिन ली, ये हमारी दोनों पिन्स जो हैं ये हमने हाइड कर देनी है। तो इस तरह से हमने पिन ली और इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया यूं। सो इन दिस वे ये हमारा कितना नीट हो गया है, नीचे वाली पिन्स हमारी प्रोमिनेंट नहीं हो रही। तो अब हमने इसको यहाँ से थोड़ा टाइट किया, इस साइड पे लेके आए और उसी तरह से हमने इधर भी फिक्स कर देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ से भी फिक्स कर लिया, तो हमारे 5 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमारा आता है लास्ट स्टेप, जो कि हमारा मेन स्टेप है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती ये, बट ये हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। तो इस स्टेप में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इस जगह पे नीटनेस लेके आनी है। नीटनेस आपने इस तरह से लानी है, लाइक यहाँ पे आपने लेयर्स ऐड करनी है इस तरह, और शोल्डर से हमने कर देना है फिक्स। अच्छा, फ्रंट से तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कवरेज मिली है मुझे, और बैक से भी मैं आपको दिखाती हूँ। इन दिस वे आपका बैक भी कवर्ड होगा। तो ये है जी मेरी फाइनल लुक निकाब के साथ। अच्छा, एक और चीज़ जो आपके निकाब के अंदर फर्दर एलिगेंसी ऐड करती है, इस तरह से इसको ऐड करने के बाद मज़ीद एलिगेंसी आपके निकाब में आ जाएगी और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, सेकंड जो वे है, अगर आप निकाब नहीं करना चाहते या अगर आप फ्रीली खाना वगैरह खाना चाहते हैं बिल्कुल नकाब उतार के, तो आपने सेकंड वे जो करना है वो ये कि आपने इस साइड से जो पिन आपने यूज़ की थी निकाब को फिक्स करने के लिए वो आपने उतार देनी है। इस तरह से आपने वो पिन उतार दी, रिमूव की, और इस तरह फ्रीली आप खाना भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको यूँ यहाँ से इस साइड पे ले आएं और यहाँ से फिक्स कर दें। अगर आप इस तरह से हिजाब करना चाहते हैं तो आप इस तरह हिजाब भी कर सकते हैं, लाइक आपने इसको जस्ट सिंपली इस साइड पे ले आना है। तो ये हैं जी मेरे दो हिजाब स्टाइल्स। थर्ड वे था वो ये कि आपने इस साइड को लेना है और इसको आपने इसके बीच से गुजारना है, इस तरह अंदर से गुजार के नीचे से हम इसको इस तरह निकालेंगे, और तो यहाँ से आपने इसको थोड़ा टाइट कर देना है इस तरह। और ये है जी मेरा थर्ड हिजाब स्टाइल, इस तरह से आपने इसको रख लेना है। और ये वाली जो हमने पिन ऐड की थी इसको थोड़ा सा इस तरह करके और यूं। तो ये है जी मेरा थर्ड सिंपल सा हिजाब स्टाइल। सो गाइज, ये थे मेरे आज के तीनों हिजाब स्टाइल्स। आई होप कि आपको तीनों अच्छे लगे होंगे, और सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड ऑल्सो शेयर योर फीडबैक विद मी। आई एम एंशियसली वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर फीडबैक। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको नेक्स्ट कौन सा हिजाब ट्यूटोरियल चाहिए। सो दुआ में याद रखिएगा, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।